पाक फौज सरहद पर किसी भी जारियत से निमटने के लिए तैयार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा कहते हैं पाकिस्तान अमन का खाहां, मगर भारत कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को तन्हा करते करते खुद ही तन्हा हो गए। तमाम जमातों का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां तर्क और जाली वीडियोज मंजर आम पर न लाने का मशवरा। राहुल गांधी कहते हैं नफरत फैलाकर सियासत नहीं की जा सकती। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 91वां रोज, वादी में शदीद कशीदगी, आसे इंद्राबी साथियों समेत गिरफ्तार। हुर्रियत रहनुमाओं ने हड़ताल में 13 अक्टूबर तक तौसी कर दी, आज फिर आजादी मार्च होंगे। कश्मीर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू हो गया, भारत की जारियत के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। कराची के इलाके अजीजाबाद में असलहे की बरामदगी की तहकीकात जारी, मालिक मकान का पता चल गया। घर से आसी जमात की सरगर्मियों का मरकज भी रहा, हसास इदारों का पुलिस की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। कराची का अमन तबाह करने का मंसूबा नाकाम, नॉर्थ कराची के सेक्टर बी से 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद, पापोश कब्रिस्तान से भी 10 अपराध जेरे हिरासत। बल्दिया से टारगेट किलर पकड़ा गया। पत्तों की में मालगाड़ी और बस में खौफनाक तसादुम, 4 अफराद जांबहक, 19 जख्मी। रेलवे ने तहकीकाती कमेटी बना दी। मुल्तान में 270 मेगावाट का नेचुरल गैस पावर प्लांट 4 साल से बंद, इंतजामिया की गफलत से जंग आलूद मशीनरी चोरी होने लगी। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीसों में 5% से जायद इजाफा गैर कानूनी करार दे दिया। प्राइवेट स्कूलों में हर साल फीसों में अंधाधुंध इजाफा, मालकान असातिज़ा की तनख्वाहें बढ़ाने को तैयार नहीं। हुकूमत ने भी कौम के मेहमानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। लाहौर में सुई गैस के अफसर पर तशद्दुद के खिलाफ दूसरे रोज भी दफातर की तालाबंदी, जंग में भी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। यकम मार्च 2013 से अब तक बैरूनी कर्जों में 7 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का इजाफा, तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। करप्शन केस में डॉक्टर आसिम और दीगर मुलजिमान की दरखास्त जमानत पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर असलम भट्टी ने इस्तीफा दे दिया। PP-78 जंग से रुकने पंजाब असेंबली राशिदा याकूब की नाअहली का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा इंतखाबात कराने का हो। लाहौर हाई कोर्ट ने FBR को जहांगीर तरीन की शुगर मिल से 162 मिलियन रुपए टैक्स की वसूली से रोक दिया, कमिश्नर के पास दरखास्त का फैसला आने तक टैक्स नोटिस मौतल करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चे बाजियाब न कराए जाने पर मां और खातून वकील का पुलिस एहलकारों से झगड़ा। मुल्तान ट्रेनिंग स्कूल में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के 822 एहलकार पास आउट, एहलकारों का सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। हेटी में समुद्री तूफान मैथ्यू ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 339 हो गई। तूफान फ्लोरेरा की तरफ बढ़ने लगा, लाखों अफराद की नकल मकानी। और मुहर्रम अल हराम के दौरान शहर शहर मजालिस से अज़ा, शहजादा अली असगर की याद में मातमी जुलूस, शौदाए करबला के जिक्र पर अज़ादारों की आंखें नम।